इतनी स्ट्रगल के बाद हम लोग आ गए हैं। पुलिस वालों ने कहाँ से आ रहे हो तो बताया तो जुगाड़ वाला समोसा ले आए काजल। सो भाई अभी सुबह के जो है आठ नहीं यार 10:30 हो गए। 8 बजे मैं उठा था, रोशन की कॉल आई थी यार, तो 8 बजे उठा था मैं फिर से सो गया। चाची में फ़ोन लगा के बात करी, मैं फिर सो गया। बोला कि भाई दर्शन करने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई तू दर्शन कर ले, तो भी ये लोग सब नहा लिए यार। मैं सबसे लास्ट में गया कि मेरे को अभी गाड़ी भी चलानी है यार, दिमाग की खराब हो यार। रात में भी अच्छे से नींद नहीं आई। अभी सुबह सुबह चाय पी मैंने 8 बजे, चाय पीने के बाद सो गया भाई। अभी देखो इन्होंने क्या हालत मचा दी है यार, ये देखो भाई। अभी ये लोग बाहर फोटो शूट कर रहे हैं, बाहर बहुत ही सही धूप आ रही है। और ये हेलो, हम आ चुके हैं लेकिन 11 बज गए हैं, ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा। काजल आज बहुत जल्दी नहा ली यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि काजल नहा ली तो क्या ही हो सकता है आज। तो अभी यार देखते हैं, उड़ जाते हैं यार। ये पार्ट 2 है। मम्मी पापा बाहर सेल्फी ले रहे हैं, मम्मी पापा सेल्फी ले रहे हैं, अपनी एनिवर्सरी अच्छे से मना रहे हैं। सब ने नए नए कपड़े पहने मुझे छोड़ के, नहीं मेरे को भी दिलाए काजल ने नए नए ट्रैक सूट। सुबह अभी जो है रेडी हो गए हैं, रेडी होने में मेरे को 11:30 हो गए, मैं ही सबसे ज़्यादा लेट रेडी हुआ हूँ। और ये देखो भाई हमारे होटल का कुछ ऐसा नज़ारा ही है, देखो भाई मस्त है ये होटल। पहले यहाँ पे खाना भी मिलता था, अभी कोविड की वजह से ना मिल नहीं रहा शायद खाना। तो ये देखो भाई एकदम धूप आती है, एकदम चहल पहल रहती है, कोई न्यूज़पेपर कट रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और ये सब भी तैयार हुए हैं। सर अपनी यानी बहनों से इतना सामान उठवाते हैं। अभी अभी वीडियो के लिए उठा लिया, इसने भी मेरे को दे देगी ये। चले चलो चले, चप्पल पहनो ना, देख लड्डू। मम्मी लड्डू की टोपी गिर गई है, लड्डू की टोपी हटना मम्मी थोड़ा सा। मम्मी को भी दिखा दो ये रे लड्डू। तो भाई आज बताओ जल्दी से कैसे लग रहे हैं मम्मी की लड्डू। ने आज फिर से वही वाला मेकअप कर दिया। तो भाई बताना तुम्हारे भाई की आज, ये देखो ये बहुत दिनों से बचा रही थी। तुम्हारी बहन ने दिलवाई है तुम्हारे भाई को ये मैंने बहुत दिनों से भाई सोचा था कि मैं पहनूंगा 30 तारीख को, तो मस्त लग रही है ना। तो चलो फटाफट भाई गाड़ी के पास चलते हैं। और केक तो यार केक भी नहीं काटा, केक भी देखते हैं कहाँ, जहाँ पर भी टाइम मिलेगा ना वहीं पर ही कट कर देंगे। लॉक लगाना है क्या? लॉक लगा लेते, खुला रहने दो, लॉक लगा के चलो नीचे चलते हैं भाई। गाड़ी की चाबी कहाँ है? चलो ये भी केक ले लिया, और पापा तो भाई पूरे एकदम बहुत सारा सामान उठा लिया। काजल तो कुछ ऐसे भी करती नहीं है, फूट्स पहन के निकल जाती है। पापा को देखो कितना सामान लेके जा रहे हैं भाई। पर ये होटल बहुत ही सही था यार, चाय मिल गई सुबह सुबह जो मिलती नहीं है। अंशु भी थोड़ा बहुत काम करती है, पर काजल तो कुछ नहीं करती यार। मैंने तो केक पकड़ा है अभी पापा, हर वीडियो में मेरी बेइज्जती करता ही है। बेइज्जती करूंगा ही, काम नहीं करती तो भाई क्या ही बताएं। मार्ट पहुंचने वाले हैं बस फाइनली गाड़ी के पास। और जब आए थे तो एकदम रात हो रही थी, 4 बज रहे थे, मतलब सुबह होने वाली थी, सूरज निकलने वाला था। पूरी तरीके से सूरज निकल गया, धूप भी आ गई है। तो अब हम लोग आए हैं, ये देख रहे हो भाई लाल लाइट, ओ पीली लाइट करने का जुगाड़, इसके ऊपर पीली वाली पन्नी लगा दो, पीली लाइट हो गई वाइट से। क्यों यहाँ रख दो उधर गाड़ी है, गाड़ी में लेके जाता हूँ। लाओ चाबी दो मेरे को भाई, गाड़ी की चाबी मिल गई है, चलाएंगे अपनी गाड़ी और देखते हैं। भाई रात में आए थे ना, यहाँ पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था पूरा। अभी ना सब लोग चले गए हैं दर्शन करके, घर निकल गए होंगे। तो देखो भाई गाड़ी कैसी लग रही है यार, ये देखो। तो फटाफट निकलते हैं भाई। तो भाई अभी गाड़ी जो है पार्क कर दी, और अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर की बहुत सारी भाई शुभकामनाएं, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब चीज़ यार। तो अभी जा रहे हैं भाई, 12 बज गए जाते जाते, तो देखो भाई क्या होता है। तो देखें बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बता रहे हैं कुछ लोग कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बाकी देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। तो सब लोग तो जा रहे हैं अभी, यहाँ पर लड्डू जी के मिलने के लिए आए थे, बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे, तो मैंने दिखा नहीं पाया वो। तो ये देखो 4 बार के लिए 5 बार, हम एक बार में 4 बार के दर्शन कर लेंगे, एक बार में 4 बार करके आए, 10 बार कर लेंगे। और क्या, इतने दिनों से आए नहीं तो भाई एक बार में पूरी वो कर लेंगे। तो चलो भाई यहाँ पे यहीं से ही चले जाते हैं वो करने के लिए, दर्शन करने के लिए निकलते हैं यहाँ से। ये देखो भाई
धक्का क्यों लगाओ अपने आगे नंबर आए दूर थे सुबह के ले ले कर रही हैं ए आ गया दो घंटे हमें लाइन में खड़े हो गए तो हम जिगजैग से तो आए नहीं, जिगजैग में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। अभी हम यहाँ साइड से जा रहे हैं, साइड से हमारे लिए रास्ता खुल गया है भाई और सब लोग यहीं पे ही हैं। अभी देखते हैं भाई, बहुत बुरा हाल है भाई, आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया, एकादशी सही है। हाँ यहाँ पर सही है, यहाँ पर कम से कम खुला खुला, वहाँ पे तो कम से कम 5 घंटे लगेंगे जिगजैग के अंदर। ये लाइन अभी तक चली नहीं थी, देख रहे हो इतनी धीरे धीरे चल रही है और हम यहाँ पे आ गए छतरी के पास। बहुत ही सही किस्मत थी आज, और लड्डू गोपाल जी को भी धूप लग रही थी तो भाई हम आ गए। ये देखो मजा आ गया, बहुत ही ज्यादा बहुत ज़्यादा भाई, धक्का मुक्की ले लो प्रसाद जो भी लेना भाई। और देख सकते हो आप क्या आज का नए साल का नज़ारा क्या कर रहे हैं, देखो भाई गजब भीड़ है। स्ट्रगल के बाद हम लोग आ गए हैं गाड़ी में, और मेरे को गाड़ी में पता कैसे बैठना पड़ेगा, पहले पैर झाड़ लेता नहीं तो पापा। ये देखो कितनी मिट्टी हो गई यार, फिर भी देखो गाड़ी में ना ऐसे चढ़ के जाना पड़ेगा। ये देखो खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ेगा मेरे को अब। ये हो भाई हालत खराब हो गई यार, यहाँ से जहाँ से हम लोग गए थे ना यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया भाई, इतना घूम के आना पड़ा, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर हम लोग घूम के आए और अब तो इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही है कि 4 घंटे में नंबर आएंगे। हम लोग गए ना तो हमने एक भाई से पूछा कि भाई कितनी देर हो गई, तो मैं बोले कि 10 बजे चले थे और 1 बज गए थे तब लगभग, तो मतलब 3-4 घंटे में उनका नंबर आया था। हम 12:30 बजे लगे थे तो 1-1.5 बजे तक हमारा नंबर आ गया था। तो भाई बहुत ही हालत ख़राब है आज भाई, नया साल मनाने सब लोग, कोई गुजरात से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, दिल्ली से तो बहुत ही आते हैं, कोई गाज़ियाबाद से आया, बाकी कहीं कहीं बहुत दूर दूर से आया, कोई आगरा से आया, सब लोग दूर दूर से आए। तो भाई अभी वो लोग भी आ रहे हैं तो हम भी निकलते हैं, पहले तोरण द्वार देखते हैं, तोरण द्वार में कितनी भीड़ है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने नहीं दे रहे, वहाँ पर चलते हैं या फिर देखते हैं अभी, फिर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं यार। अभी इन सबको तोरण द्वार पर जो है हम लोगों ने यहाँ पर नमस्कार कर लिया है बाबा के यहाँ पर, और अभी भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शाम प्रेमी आ रहे हैं, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। अभी हम लोग यहीं से वापस रिंगस जाएंगे, बट पता नहीं कैसे जा पाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, तो लगता है 2 घंटे जाने में, 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा जाने में। तो आप देख सकते हो भाई पूरी बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है भाई, और यहाँ पे आधे लोग बैठे हैं, पूरी पार्किंग फुल है, पूरे रेस्टोरेंट फुल है, सब चीज़ फुल है, A to Z फुल है। तो ये आप देख सकते हो, हम भी वापस निकल गए आगे, तो आगे चले गए तो हम भी चल रहे हैं। ये देखो काम चल रहा था ना, काम हो गया है बस थोड़ा सा बचा है, और ये देखिए आप सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, आधे से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे निशान लेके आ रहे हैं कि नए साल बाबा के साथ बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो वही हो रहा है। अब इंचू गाड़ी में बैठी थी, अब हम लोग बस जस्ट पहुँच गए गाड़ी के पास, और ये भी डर रहता है कि यार कोई मार मुर के ना चले जाए, तो साइड से शॉर्टकट से लेके चले जाते हैं। और इंचू उधर गाड़ी में बैठी है, ये देखो उसको बहुत बढ़िया कर रही है। तो भाई जस्ट पहुंच गए गाड़ी में, और वो देखो वो खड़ी अपनी गाड़ी, दिख गई होगी आपको, तो गाड़ी में चलते हैं यार। बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं मेरी आवाज़ आ पा रही है आप लोगों को, नहीं आ पा रही भाई, आओ पहले आओ। तो ये अपनी गाड़ी है, फटाफट शूज़ वगैरह पहन लेते हैं। तो भाई अभी फाइनली 25 से 30 किलोमीटर घूमने के बाद, पहले गाँव का अलग और उसके बाद रोड पर हाईवे पर अलग, 30 किलोमीटर घूमने के बाद फाइनली रिंगस के पास आ चुके हैं भाई, और इतनी ज्यादा हालत खराब है भाई साहब। काजल ने बूमरैंग के साथ साथ नींद भी बहुत ज्यादा, काजल ने बूमरैंग भी ले ली, नींद भी ले ली, सब चीज ले ली है, सब कुछ ले ली। और अभी यार कुछ खाया तो था नहीं वहाँ पे, कड़ी कचौड़ी खाने का ना थोड़ा सा मन नहीं था, मम्मी ने खाई थी
पोहा खाया था यार, मन तो नहीं कर रहा कुछ खाने का, बट यहाँ से बाबा कुछ समोसे वगैरह लेने के लिए गए रिंगस से बाहर, मतलब जयपुर हाईवे है यहाँ पे, तो देखते हैं कि क्या है। भाई दे दो उसको कुछ खाने के लिए, रुको। अब यार देखते हैं क्या होता है यार, अभी तो देखते हैं भाई, क्योंकि टाइम लगेगा, रात के 10 बज जाएंगे लगभग हमें घर में पहुंचने में, मतलब घर पहुंचने में 10 बज जाएंगे, तो अभी देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम नहीं लगेगा, होटल में कब पहुंचेंगे, कब खाना खाएंगे, क्या है भाई कुछ नहीं समझ आ रहा भाई, हालत ख़राब है। कम से कम भाई साहब वहाँ पे 1,00,000 आदमी होगा, 1,00,000 से भी ज़्यादा ही होगा, 1,00,000 हाँ 1,00,000 तो कम ही बोल रहा हूँ मैं, 10,00,000 होगा, कि लाइन में लग जाओ ना, लाइन में लग जाओ तो कम से कम 5 घंटे से पहले अब नंबर नहीं आने वाला। हम लोगों ने तो 1 घंटे में कर लिया और जैसे तैसे करके हो गया, बट अब जो भी इंसान जाएगा ना उसका 5 घंटे से पहले नंबर नहीं आने वाला भाई, ये तो है बात। पता नहीं क्या ही सीन होगा, बाबा ने हमारे को जल्दी दर्शन दे दिए, हमें तो दे दिया ना, वैसे 5 घंटे लगेंगे अब जाएंगे ना, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, रिंगस वाला रोड है ना पूरा जाम है, तो वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ से रिंगस से खाटू जाने में आपको कम से कम 6 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पूरा बहुत तगड़ा जाम चल रहा है। हम लोग गाँव में से घूम घूम के आए, ये गाड़ी जितनी भी पीछे से आ रही है ना, ये आप देख रहे हो, ये सारी की सारी रिंगस से ही आ रही है भाई। देखो 4 नंबर पे दिल्ली है, तो सारे के सारे वहीं से आ रहे हैं। अभी जरा कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं, फिर उसके बाद यार निकलते हैं, अपना घर की तरफ निकलते हैं और आपको दिखाएंगे। और काजल अपने लिए चूरन लेके आई थी, चूरन खाएगी और मजे करेगी, तो अभी देखते हैं क्या होता है यार, चूरन खाते हैं क्या खाते हैं, समोसा खाते हैं, तो अभी चलते हैं आगे, तो मजा आएगा बहुत ज्यादा। जुगाड़ वाला समोसा लिया है, काजल चूरन लिया है। ये समोसा कैसा है? पानी तो थोड़ा पानी मेरे को कुछ गहरा भी है। क्या है ये समोसा? क्या चटनी में लाई नहीं है? बेकार चटनी यार। और ये प्लेट ऐसी की गंदी है, पानी दे दे, स्टाइलिश प्लेट है, पानी खत्म हो गया, पानी दे दे पापा को यार, पानी बहुत है इसमें से, म्यूट में से भर लो ना भाई। ऐसा सीन हो गया वहाँ पर ना यार, नेट बिल्कुल नहीं चल रहा, कम से कम भाई वहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना, वहाँ पे जियो का और एयरटेल वेटल कुछ भी नहीं चल रहा भाई, वहाँ पे नेट कितने चलाने की कोशिश कर ली मैं, एक मैंने सामान लिया था, हाँ चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो। तो भाई अभी हमने वहाँ पे एक सामान लिया था, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था, तो कह रहा भैया यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना, लाखों लोग हैं, तो आपका किसी का नेट नहीं चलेगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम आ रही, कोई भी नहीं चलेगी, तो बहुत दिक्कत होगी। तो पानी हम घर से स्टॉक लेके आते हैं भाई। 8 बजे भाई दोबारा से डिनर ब्रेक, अंशु को कुछ खाया नहीं, अंशु और मैंने सुबह ही खाया था जो भी खाया था, तो अभी हम आ चुके हैं हाईवे किंग पे अपने। और यार लोगों की शक्ल ऐसी हो रही, लोगों की शक्ल ऐसी हो रही है जैसे अभी पता नहीं क्या पिक करा है, सब लोग थके हुए हैं भाई। अंशु बोलना चाहती है, काजल बूमरंग बनाइए, दिखाइयो अपनी बना ली थी, तू भी तो ऐसी दिखती है। मैंने तो सुबह वो खाया था, पोहा खाया था थोड़ा सा, और समोसा खाया था, जीप सा समोसा मिला था यार इंग्लिस के पास, क्योंकि बहुत ज्यादा घुमा घुमा गया है ना, तो फटाफट खाना मंगवा लेते हैं। देखो ऐसा कुछ इसका मेन्यू देख लो भाई, मम्मी का मन कर गया गोलगप्पे खाने का, कह रही मैं गोलगप्पे खाऊं, कभी तेरे ही कर रहा हो, मम्मी का कर रहा है, तेरे ही लग रहा है मम्मी का। मैंने कहा भाई तो अपना खाना आ चुका है, पनीर आ गया, दाल तड़का आ गया, और मसाला डोसा चुने लिए, और रोटी अभी आ गई, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है भाई सब लोगों को। मस्त है ना भाई, पापा सबकी अभी प्लेटिंग कर रहे हैं, अचार अचार काजल को दे, तो फटाफट खा लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, खाना देख लो भाई तुम्हें भूख लग जाएगी, चलो खाते हैं यार फटाफट। खाना वाना खा के निकल गए हैं, और ये आ गया है पैरोड वाला टोल टैक्स, तो यहाँ से अपना दिल्ली जो रह गया है 100 किलोमीटर रह गया लगभग, 100-110 के करीब, तो भाई चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, अभी 9:05 हो रहे हैं, तो देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। भीड़ तो नहीं है, रास्ता तो एकदम साफ है, एकदम खाली है, तो चलते हैं और देखते हैं भाई। ये देखो कितनी मिट्टी हो गई सनरूफ में, तो चलो चलते हैं फटाफट से टोल टैक्स कटवा लेते हैं और फिर निकलते हैं यार। ये देखो भाई कितनी भीड़ हो रही है, फास्टैग होने के बावजूद भी इतनी भीड़ रहती है, ये देखो कुछ फ़ायदा नहीं है फास्टैग का भी वैसे। भाई अभी हम लोग दिल्ली में एंटर हो चुके हैं, तो अभी भाई हो गया कर्फ्यू स्टार्ट है ना वैसे,
तो भाई पूछ भी लिया पुलिस वालों ने कहाँ से आ रहे हो, तो बताया, तो कह रहे चलो ठीक है, तुम्हें पता था कि कितने बजे स्टार्ट है, बट फिर भी उन्होंने कहा चलो ठीक है आगे से ध्यान रखना, आगे से वैसे जाते तो आए नहीं, पहुँच गए। देखो भाई दिल्ली में आते 10 हो गए टेम्परेचर, 8 हो गया, सॉरी यार पीछे 10 था भी 8 हो गया, और यहाँ देखो कितना ज़्यादा फॉग है यार, बहुत ही ज़्यादा फॉग है। तो पहुँच गए हैं टालकटर के पास, तो अभी बस जस्ट घर पहुँचने वाले हैं, तो देखते हैं अगर बीच में कोई और तो नहीं मिलता, तो यही है भाई अभी चलते हैं आराम से। और सब लोग आराम से भजन गाते हुए आ रहे थे, तो सही हो गया और सही टाइम से हम लोग आ गए, हमें तो लगा था 12-1 बजे तक आएंगे, बट ड्राइवर बहुत अच्छा है तो उसने टाइम से बचा दिया। और क्या, तो पीछे मूंगलियाँ खा रहे हैं भाई, ये बताओ यार है कि नहीं, बढ़िया चलाई ना गाड़ी यार, सही टाइम से पहुँचा दिया भाई, और क्या, सही टाइम से पहुँचा दे, खाना पीना खिला दिया, आराम से सोते हुआ भाई, को पुलिस वाली गाड़ी है पकड़ेगी तो नहीं हमें। सो भाई फाइनली घर आ चुके हैं, अब गाड़ी से सामान वगैरह निकाल के तो आधा घंटा लग गया, मतलब 11 बजे यहाँ पे आ गए थे, अगर 9 बजे बैर रोड के टोल टैक्स पे थे, मतलब 2 घंटे लगे यहाँ तक आने में, और चेकिंग भी थोड़ी बहुत हुई, तो पूछताछ हुई थी कि कहाँ से आ रहे हो ये वो, तो उन्होंने फिर जाने दिया कोई नहीं, क्योंकि फैमिली साथ थी, तो भाई सब लोग नाइट कर्फ्यू फॉलो करो, तो कोई नहीं भाई। अगर इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, सेफ रहे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।